नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए 2022 का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आज ही हुआ है। और आज जो पेपर हुआ है दोस्तों, वो हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो टाइम है 3 घंटे का टाइम दिया गया था। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो, ये पेपर है वो जो BA के जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है, ऑनर्स के, उन सभी के लिए पेपर है। तो चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अथवा, यानी कि दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं सभी आपको अथवा में ही देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है अज्ञ हिंदी कविता के विकास में योगदान पर निबंध आपको लिखना है। इसके बाद दोस्तों, जो सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सुमित्रा नंदन पंथ छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन यानी कि सिद्ध करना है। इसी के बाद दोस्तों, उसी के अथवा में है कि दुष्यंत कुमार की गजलों में आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर तीखे व्यंग किए गए हैं, इस कथन की पुष्टि आप सभी छात्रों को करनी है। इसके बाद दोस्तों, जो थर्ड क्वेश्चन है कि दूमिल की प्रोड शिक्षा का भाव आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद जो अथवा में क्वेश्चन है वो है मुक्तिबोध के काव्य की सामान्य विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। इसी के बाद दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर कर दिए। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं टोटली यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी 3 मैंने क्लियर कर दिए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य की सामान्य विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। अथवा में क्वेश्चन आया कि नई कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आ रहा है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरणों की सहप्रसंग का आपको व्याख्या करनी है। फर्स्ट तो है इसमें, जैसे फर्स्ट इसका पहला ऑप्शन है क, इसी के अथवा में है दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद ख है, ख के अथवा में फिर दूसरा क्वेश्चन है। बाकी देखो, ये जो पेपर है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ख के बाद में जो यहाँ पर देख सकते हो, ख के अथवा में है। इसके बाद जो ग है, ग में भी यहाँ पर देख सकते हो कि जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, ये क्वेश्चन है इसकी, इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है। और यहाँ पर मतलब कि जो 5वां क्वेश्चन है आपका, जो 5वां क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, अखंड, बैखंड और सैखंड। और इन सभी में ये आपको अथवा में यानी 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, जो पूरा पेपर आया है वो आप सभी का अथवा में आया है, यानी कि यूनिट के बाध्यता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रखी गई है। तो ये पेपर था, साथ में ये पेपर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आज ही का पेपर था, जो आज ही हुआ है, जो BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको और पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं आपको आपके लिए ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय।